बिस्मिल्ल अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स बीएस मैथ फोर्थ डिफरेंशियल इक्वेशन टू का आज हमारा टॉपिक होगा नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम इसका क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं डी एक्स ओवर डी टी माइनस टू एक्स माइनस वाईगो पावर टू टी डी वाई बाई डी टी प्लस फोर एक्स माइनस टू वाई टू टी टू पावर टू टी सोल्यूशन में आ जाता है सिस्टम इन ऑपरेटर नोटेशन इज सिस्टम को लिख लिया गया डी माइनस टू इंटू एक्स माइनस वाई इजो पावर

इस करेंगे, ये सिक्स ई टू पावर टू टी आ जाएगा माइनस सिक्स ई टू रे पावर टू टी टी ई टू रेड पावर टू टी ये कैंसिल होकर टी ई टू पावर टू टी रह जाएगा इसका स्केयर ओपन करके करके इसमें से एक्स कामन निकाल लेंगे ये हमारे पास आ जाएगा डी स्केयर माइनस फोर डी प्लस डी डी स्क्र माइनस फोर डी प्लस एट एक्स इज टी ई टू पावर टू टी इसको क्वेश्चन नंबर थ्री कह लेंगे दी करेक्टर क्वेश्चन इज इसकी करेक्टर सिक्स क्विजन लिख ली गई है इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टू प्लस माइनस टू ए तो एक्स सी हमारे पास आ जाएगा ई टू इज पावर टू टी सी वन कोस टू टी प्लस सी टू साइन टू टी ये हमारे पास एक्स पी निकालना हो तो इसमें से ये चीज़ उधर जाके डिवाइड हो जाएगी इससे नेक्स्ट स्टेप में इस पर एक्सपोनेंशियल शिफ्ट अप्लाई करेंगे एक्स बी इज़िको टू टी वैसे ही लिख लिया ये जो ई टू रेज पावर टू टी को साइड पे लिख लिया इसकी जो ई की पावर में टी का कोफिशियंट आ रहा था उसमें ऐड करते जाएंगे डी प्लस टू इसका स्केयर माइनस फोर इन डी प्लस टू प्लस एट इसी को एक्सपोनेंशियल शिफ्ट कहते हैं एक्स पी इज इक्वल टू टी ओवर इसका स्केयर ओपन करेंगे डी स्क्र प्लस फोर डी प्लस फोर माइनस फोर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर डी माइनस एट प्लस एट ये हो गए कुछ टर्म्स कैंसिल हो

तो हमारे पास वन बाई फोर टी ई टूट पावर टू टी एक्स पी आ जाएगा एक्स इज टू एक्स सी प्लस पी आएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स सी की वैल्यू थी पावर टू टी सी वन तो एक्सपी की वैल्यू प्लस वन बाई फोर टी ई टू पावर टू टी इसको फोर का नाम दे लेंगे फ्रॉम वन वाई इज इक्ल टू डी माइनस टू ऑफ एक्स माइनस थ्री पावर टू टी अब इसमें एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे माइनस थ्री ई टूट पावर टू टी वैसे ही आ जाएगा अब उसके बाद ये डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इस पर पहले इस पे अप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन वैसे ही प्रोडक्ट रूल लग जाएगा प्लस फर्स्ट वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा फिर उसके बाद वन बाई फोर बाहर ही इस पर भी डेरिवेटिव डिफरेंशियल अप्लाई होगा इस पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा लग जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव फिर इस पर इस उसके बाद ये माइनस टू अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस टू ई टू रेस पावर टू टी सी वन कोस टू टी प्लस सी टू साइन टू टी माइनस टू इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस वन बाई टू टी ई टू पावर टू टी आ जाएगा माइनस माइनस के थ्री ई टू रेस पावर टू टी आ जाएगा उसके बाद इसको सिम्पलीफाई कर लेंगे वाई इज इक्व टू टू ई टू रेज पावर टू टी सी टू कोस टू टी माइनस सी वन साइन टू टी माइनस एलेवन बाई फोर ई टू पावर टू टी इसको क्वेशन नंबर फाइव कह लेंगे क्योंकि ये वाली चीज़ जो है हमारे पास ये माइनस की है और ये प्लस की ये कैंसिल हो जाएगी तो इन तो इन इन में से हमारे पास टू कामन आ जाएगा टू ई टू पावर टू टी आ जाएगा और टू सी टू कोस टू टी आ जाएगा माइनस सी वन साइन टू टी इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास टू वन टाइम टू टू टाइम्स ये वन बाई टू टी ई टू टू पावर टू टी वो इससे कैंसिल हो जाएगा तो इधर वन बाई फोर ई टू रे पावर टू टी और माइनस थ्री ई टू द टू टी इसका एल्शियम लेंगे वो माइनस इलेवन बाई फोर ई टू रे पावर टू टी आ जाएगा ओ कई फोर एंड फाइव कॉन्स्टिट्यूट जनरल सोल्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूट जनरल सोल्यूशन करेंगे गिवन सिस्टम का इससे नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन टू देखते हैं टू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी बाई बाई डी टी प्लस थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज टू माइनस कोस टी डी एक्स ओवर डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी प्लस एक्स प्लस टू वाई जीरो टू टू साइन टी सोल्यूशन में आते हैं द इक्वेशंस इन ऑपरेटर नोटेशन इसको ऑपरेटर नोटेशन में लिख लिया गया इसको वन कह लेंगे इसको टू कह लेंगे इक्वेशन टू मल्टीप्लाइंग बाई टू इक्वेशन टू को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम वन और वन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कर देंग. इसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा एक्स माइनस डी वाई जीरो टू माइनस कोस टी माइनस फोर साइन टी आ जाएगा इसको इक्वेशन नंबर थ्री कह लेंगे ऑपरेट ऑन थ्री बाई डी प्लस वन थ्री पे डी प्लस वन ऑपरेट कर देंगे एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम टू और उसके बाद उसको टू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन तो इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी हमारे पास फाइव साइन टी प्लस फाइव कोस टी आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा फाइव इनमें से कामन निकालेंगे दी करेक्टर सिक्स क्वेजन इज़ इसकी करेक्टर सिक्स क्वेजन लिख ली गई इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे डी इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस एओटा आ जाएगा वाई सी इज इक्वल टू ई टू एज पावर माइनस टी इंटू सी वन कोस टी प्लस सी टू साइन टी वाई पी इज इक्वल टू वाई पी इधर से निकल आएगा ये डी स्केयर प्लस टू डी प्लस टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इससे नेक्स्ट स्टेप में नाओ ई टू रेज पावर एओटा टी ओवर डी स्क्र प्लस टू डी प्लस टू इज जीको टू टू रेज पावर एओटा टी अब एओटा इसमें जब रिप्लेस करेंगे एटा स्केयर माइनस वन होता है माइनस वन प्लस टू वो वन आ जाएगा वन प्लस टू एओटा आ जाएगा अब इसकी रेशनलाइजेशन कर लेंगे जब रेशनलाइजेशन करेंगे वन माइनस टू एटा ओवर वन माइनस टू एटा आएगा वन माइनस टू एटा इंटू वन प्लस टू एटा वो फाइव बन जाएगा और ई की पावर एटा टी स्के प्लस एटा साइंटी आ जाएगा दे फॉर कोस टी ओवर डी स्क्र प्लस टू डी प्लस टू रियल ऑफ़ ई की पावर ए ओटा टी ओवर डी स्क्र प्लस टू डी प्लस टू इसका रियल पार्ट आ जाएगा हमारे पास कोज टी प्लस टू साइन टी ओवर फाइव अब इसी तरह साइन e टी ओवर डी स्क्र प्लस टू डी प्लस टू अमेजनरी ऑफ ई की पावर ए ओटा टी ओवर डी स्क्र प्लस टू डी प्लस टू ये आ जाएगा इसका एमेजनरी पार्ट आ जाएगा माइनस टू कोज टी प्लस साइन टी बाई फाइव वाई पी हमारे पास आ जाएगा क्योंकि वाई पी जो था शुरू में हमारे पास इसके इक्वल था मीन्स फाइव कोस टी प्लस साइन टी ओवर दिस अब फाइव जो है बेसिकली कोस टी ओवर डी स्क्र प्लस टू डी प्लस टू वन बाई फाइव आ रहा है वो फाइव से फाइव कैंसिल हो गया ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल है ये चीज़ हमने निकाल ली है ये इसके इक्वल हो जाएगी क्योंकि फाइव जो ऊपर आ रहा था वो कैंसिल हो जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा वाई पी कोस टी प्लस टू साइन टी सिमिलरली वो फाइव से फाइव कैंसिल होकर ये चीज़ इमेजनरी पार्ट आ जाएगी माइनस टू कोस टी प्लस साइन टी इसको सिम्प्लीफाई कर लेंगे माइनस कोस टी प्लस थ्री साइन टी आ जाएगा वाई पी और वाई हमारे पास वाई इज इको टू वाई सी प्लस वाई पी वाई इज इको टू वाई सी की वैल्यू रिप्लेस कर दी गई प्लस वाई पी हमारे पास ये है ये पुट कर दिया गया इसको क्वेश्चन नंबर फाइव कह लेंगे पुट फाइव इन थ्री अब फाइव को हमने पुट कर देना है क्वेश्चन थ्री में जो हमारे पास क्वेश्चन थ्री है उसमें पुट कर दें तो हमारे पास एक्स माइनस डी ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी इजिको टू माइनस कोस टी माइनस फोर साइन टी आ जाएगा उसके बाद इस पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स माइनस ये ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डरीवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन आ जाएगा फर्स्ट का डायरेवेटिव माइनस ई टू पर माइनस टी आ जाएगा उसके बाद इन पे अप्लाई होगा कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी होता है वो प्लस हो जाएगा साइन टी ये हमारे पास थ्री कोस टी आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस कोस टी माइनस फोर साइन टी आ जाएगा इससे नेक्स्ट टाइम में माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ई की पावर माइनस टी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स सी वन ई टू एज पावर माइनस टी साइन टी माइनस सी टू ई टू माइनस टी कोस टी फिर उसके बाद प्लस सी वन ई टू एथ पर माइनस टी कोस टी प्लस सी टू ई टू एथ पर माइनस टी साइन टी आ जाएगा और उसके बाद माइनस ये क्योंकि सभी से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस साइन टी माइनस थ्री कोस टी जीरो टू माइनस कोस टी माइनस फोर साइन टी एक्स प्लस अब इनमें से कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी तो हमारे पास ई टू एथपा माइनस टी आ जाएगा सी वन सी वन कोस टी प्लस सी टू साइन टी अब इनमें से माइनस काम आ जाएगा माइनस सी टू पर पास माइनस टी आ जाएगा माइनस सी वन साइन टी प्लस सी टू कोज टी आ जाएगा अब ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन टी माइनस थ्री कोज टी ये इसी का हिस्सा इस है इज़ इक्वल टू तो माइनस कोस टी माइनस फोर साइन टी आ जाएगा इससे नेक्स्ट टाइम में इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ये सारी चीज़ उधर लेंगे हम एक्स हमारे पास आ जाएगा इसके इक्वल आ जाएगा एक्स इज इक्व टू की पावर माइनस टी आ जाएगा इन दोनों में से कोस टी कामन आ जाएगा सी टू माइनस सी वन आ जाएगा उन दोनों में से साइंटी कामन आ जाएगा माइनस भी का, बाहर कामन आ जाएगा सी वन प्लस सी टू आ जाएगा प्लस के टू कोस टी आ जाएगा इन दोनों को हल करेंगे तो इन दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास माइनस थ्री साइनटी आ जाएगा इसको क्वेश्चन नंबर सिक्स कह लेंगे क्वेश्चन फाइव एंड सिक्स कॉन्स्टिट्यूट द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ये जनरल सोलूशन ऑफ गिवन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं डी एक्स ओवर डी टी माइनस एक्स माइनस टू वाई इज टू टी माइनस वन एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो डी वाई बाई डी टी माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई इज टू माइनस फाइव टी माइनस टू वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू फोर द सिस्टम इन ऑपरेटर नोटेशन सिस्टम को ऑपरेटर नोटेशन में लिख लिया गया इसको वन कह लेंगे इसको टू कह लेंगे ऑपरेट ऑन वन बाई डी माइनस टू वन को डी माइनस टू से ऑपरेट कर देंगे एंड मल्टीप्लाई टू बाई टू क्वेश्चन टू को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी इन दोनों को थ्री और फोर का नाम दे लेंगे इन दोनों को ऐड कर लेंगे ऐड करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट बच जाएगा इसकी करैक्टर सिक्स को ये लिखेंगे उसको सिंपलीफाई करेंगे डी की वैल्यूज आ जाएंगी उसका सोल्यूशन लिख लेंगे एक्स इजी टू सी वन ई टू एथ पावर फोर प्लस सी टू ई टू तो एथ तो पावर माइनस फोर्टी इससे नेक्स्ट स्टेप में एक्स पी निकालेंगे तो हमारे पास एक्स पी इधर से आ जाएगा माइनस माइनस ट्वेल्व टी माइनस वन ये चीज़ उधर जाके डिवाइड हो जाएगी ये चीज़ आ जाएगी उसमें से फिर माइनस फोर बाहर कामन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इसमें से भी कामन निकालेंगे वो प्लस हो जाएगा वन बाई फोर इंटू वन माइनस बायनोमिल लगा दिया थ्री डी माइनस डी इसकेर ओवर फोर और ये आ जाएगा ट्वेल्व टी प्लस वन वन बाई फोर इस पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वन से ये चीज़ आ जाएगी इस, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा थर्टी सिक्स ओवर फोर माइनस के इस पर तो ये ज़ीरो हो जाएगा तो एक्स पी हमारे पास आ जाएगा वन बाई फोर इंटू ट्वेल्व टी प्लस वन माइनस के नाइन ये माइनस के एट आ जाएगा सिम्पलीफाई करेंगे तो हमारे पास थ्री टी माइनस टू आ जाएगा एक्स गुरु एक्स सी प्लस एक्स पी गुरु सी वन ई टू एज पावर फोर टी प्लस सी टू ई टू माइनस टी प्लस थ्री टी माइनस टू आ जाएगा वाई पी इसको फाइव कह लेंगे पुट फाइव इन वन फाइव को वन में रिप्लेस कर देंगे वन में रिप्लेस करने के बाद ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे डिफरेंशियल उसको सिंप्लीफ़ाई कर लेंगे तो हमारे पास टू वाई ये चीज़ आ जाएगी और y हमारे पास टू उधर जाके डिवाइड होता जाएगा इसको सिक्स कह लेंगे नो अप्लाइंग कंडीशन इन फाइव एंड सिक्स फाइव और सिक्स में कंडीशन अप्लाई कर देंगे एक्स ऑफ़ जीरो इज ईक्ल टू जीरो सी वन प्लस सी टू माइनस टू इसको सेवन का नाम दे लेंगे ऑफ जीरो इज ईक्ल टू फोर थ्री बाई टू सी वन माइनस सी टू प्लस थ्री इसको एट का नाम दे लेंगे सेवन और एट को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास थ्री बाई टू प्लस वन क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे इज़ इक्वल टू फोर प्लस जीरो फोर आ जाएगा ये वन उधर जाके माइनस हो जाएगा इससे नेक्स्ट टाइम में ये चीज़ आ जाएगी उनको ऐड करेंगे फाइव बाई टू सी वन आ जाएगा सी वन ये टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये फ़ाइव उधर जाके डिवाइड हो जाएगा सी वन की वैल्यू आ गई पुट इन सेवन इसको सेवन में पुट कर देंगे तो हमारे पास सी टू की वैल्यू आ जाएगी अब एक्स उसमें में सी वन और सी टू की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमारे पास ओक्जन थी सिक्स और फाइव पहले फाइव में पुट करते हैं एक्स इज सिक्स बाई फाइव ई टू एथ पावर फोर टी प्लस फोर बाई फाइव ई टू पावर माइनस टी प्लस थ्री टी माइनस टू इसको नाइन का नाम दे लेंगे वाई इज नाइन बाई फाइव ई टू एवर नाइन बाई फाइव ई टू एथ पावर फोर टी माइनस फोर बाई फाइव ई टू पावर माइनस टी माइनस टू टी प्लस थ्री इसको टेन का नाम दे लेंगे कोई नाइन एंड टेन कॉन्स्टिट्यूट दल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ये गिवन सिस्टम का सोलूशन बनाते हैं वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें फ्रेंड के साथ शेयर करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंचे सके शुक्रिया